क्वेश्चन है सर, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है और मैं एसएसटी लेकर मास्टर कैडर के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। एमए पॉलिटिकल साइंस एसएसटी बीएड में लेना चाहते हैं और मास्टर कैडर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, इनका केस कंसिडर करेंगे। सबसे पहले ये रहा कि पॉलिटिकल साइंस यहाँ लिख लिया एमए पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पॉल साइंस आ गया और इन्होंने ये नहीं बताया कि पॉल साइंस यहाँ पर पढ़ी हुई है या नहीं और बाकी के कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं ये भी नहीं बताया। ऐसे अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। फिर भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये टीजीटी यहाँ पर है, ये कॉलम मैंने लिखा यहाँ पर, इसके लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। टीजीटी का मतलब है कि सिक्स क्लास से टेंथ क्लास तक एलिजिबल बनना चाहते हैं। अगर तो इन्होंने दो सोशल साइंसेस ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल अगर पढ़ी हैं तो पोल साइंस जरूरी है, स्कूल सब्जेक्ट है। दूसरी मान लीजिए अगर हिस्ट्री पढ़ी है या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, है ना, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन से मीनिंग नहीं रहता, इसी से ही आपकी टीजीटी की एलिजिबिलिटी बननी है। ये इसका संबंध यहाँ पर है टीजीसी से। अगर आपने ग्रेजुएशन में दो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मास्टर कैडर, जिसको टीजीटी बोलते हैं, मास्टर कैडर को ये बोलते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस की है और पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में भी की है लेकिन दूसरी सोशल साइंस नहीं पढ़ी हुई आपने और आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एसएसटी का कॉम्बिनेशन ले लेते हो तो आपकी बीएड एसएसटी से हो रही है लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको फिर बाद में एक एडिशनल सोशल साइंस का अकॉर्डिंग टू एनसीटीई एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रूल आपको वो देना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। आपका क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस के साथ मैं एलिजिबल हूं, नहीं। पॉलिटिकल साइंस जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पीजीटी के लिए आपको एलिजिबल करती है। ये रही पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसने 11वीं या 12वीं क्लास के लिए टीच करना है, तो उसके लिए आपको एसएसटी नहीं चाहिए। उसके लिए अगर इसके लिए एलिजिबल बनना है तो आपको पेडागोजी, शॉर्ट में लिखूंगा पेडागोजी ऑफ पोल साइंस लेना पड़ेगा यहां पर। तो ये आपका पूरा केस है। काइंडली इंफॉर्मेशन पूरी दीजिए, तभी मैं पूरा जवाब दे सकता हूं। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह। लर्न टू एक्चुअलाइज।